हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन नर्सिंग एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है तो हम स्टार्ट करते हैं सो ये फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको फिल करना है सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनलार्जमेंट ऑफ थाइरायड ग्लैंड इज़ नोन एज यानी थाइरायड ग्लैंड का जो एनलार्जमेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सीडिमा सेकेंड है हाइपोथायराइडिज्म थर्ड है गोइटर एंड फोर्थ है ट्यूमर इसके आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फिर उसके बाद में मैं इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी सेकेंड है ग्लास्कोकोमा स्केल इज़ यूज इन डैश पेशेंट फर्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम सेकंड है अनकॉन्शियस पेशेंट थर्ड है रिफ्रैक्चर फोर्थ है रिनल फेलिवर नेक्स्ट है थर्ड नंबर का इन डायबिटिस मलाइटस एक्सेसिव थ्रस्ट इज कॉल्ड एज यानी जो डायबिटिस मलाइटस होता है यानी हम हम जो उसको ये बोलते हैं कि डीएम uh, का जो पेशेंट है उसको अगर एक्सेसिव थ्रस्ट लगता है यानी उसको अगर ज़्यादा प्यास लगती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीफेजिया सेकेंड है पॉलीडिस डिस्पेशिया थर्ड है पॉली एंड फोर्थ है ग्लाइकोसूरिया फोर्थ वन इज निमोथोरैक्स मीन्स रिटेंशन ऑफ इन प्लूरल कैविटी यानी निमोथोरैक्स यानी क्या होता है कि फ्लूड इन अ प्लूरल कैविटी या फिर एयर इन अ प्लूरल कैविटी या फिर ब्लड इन अ प्लूरल कैविटी और फोर्थ वन uh, है एयर एंड फ्लूड इन अ प्लूरल कैविटी फिफ्थ है इन गाउट डैश लेवल इज इंक्रीज इन अ ब्लड जो गाउट है उसमें किसकी लेवल बढ़ जाती है फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड सेकेंड है यूरिक एसिड थर्ड है एसिटिक एसिड फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैच द फॉलोइंग पेयर्स ग्रुप ए में आपको दिखाई है ब्रॉकोएक्टाइसिस सेकेंड है डॉट्स थर्ड है डायबिटिस मलाइटस फिफ्थ है अपेंडिसाइटिस एंड फोर्थ है अपेंडिसाइटिस एंड फिफ्थ है कर्निंग साइंस एंड बी में आप देखते हैं एम सी बर्ने पॉइंट यानी मैक बर्ने पॉइंट सेकेंड है मेटफॉर्मिन थर्ड है मैनेंजाइटिस फोर्थ है हेमरेज फिफ्थ है ट्यूबर क्लोसिस एंड सिक्स है पोस्टूरल ड्रेनेज ये भी फाइव मार्क्स के लिए है नेक्स्ट डे हम देखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग यानी जो आपको ये चार चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको दो को डिफरेंशिएट करना है और ईच को यानी पाँच मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट है ए नंबर का फर्स्ट डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न सेकेंड है बी नंबर का जनरल एनेस्थिशिया एंड स्पाइनल एनेस्थिशिया सी नंबर डायबिटिक कोमा एंड हाइपोग्लासमिक कोमा डी नंबर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर ये जो ये जो आपको ऑप्शन दिए सिक्स ऑप्शन इसमें से आपको कोई भी चार लिखना है इसके ऊपर नोट्स आपको लिखना है और ईच जो क्वेश्चन है वो फाइव मार्क्स के लिए होगा फर्स्ट है रोल ऑफ ए नर्स इन ऑपरेशन थिएटर यानी ऑपरेशन थिएटर में जो नर्स होती है उसके जो क्या रोल होता है वो आपको लिखना है सेकेंड है बी हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एंड ओल्ड एज यानी ओल्ड एज में कौन से हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं वो लिखना है सी है ग्लास्को कोमास के लिए आपको पढ़ाया होगा ग्लास्को कोमा स्केल हम किसके लिए कौन से पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं इसका ही फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आया है आ, उसके बारे में आपको नोट्स लिखने का है डी है एम्फमा फोर्थ four, uh, है सॉरी uh, फिफ्थ है वन हीलिंग एंड सिक्स है माइग्रेन नेक्स्ट हम देखेंगे मिस्टर गुप्ता थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड ऑफिस क्लर्क इज एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड विथ जनरलाइज कन्वर्सेशन ही डायग्नोस्ड एज एपेलेप्सी ही ड्राइव्स ए टू व्हीलर टू रीच हीज ऑफिस आंसर द फॉलोइंग यानी आपको पूछा है कि एक पेशेंट है एक एक मेल पेशेंट है मिस्टर गुप्ता करके थर्टी फाइव ईयर्स का है और उसका काम जो है वो ऑफिस में एक क्लर्क का वो काम करते हैं और वो जो पेशेंट है वो मेडिकल वार्ड में एडमिट है कि कंप्लेंट से कि जनरलाइज कन्वर्शन उसको होता था वो कंप्लेंट से वो एडमिट है जब उसका डायग्नोसिस आया तो वो हमको पता चला कि वो इपिलेप्सी उसको है तो वो क्या करता है कि उसके ऑफिस पहुंचने के लिए वो एक गाड़ी से टू व्हीलर से ड्राइव होकर उसके वो ऑफिस पहुँचता है तो इसके बेस पर आपको एक कंडीशन दी है और मोस्टली uh, आपको कुछ नहीं ऐसी भी कंडीशन दी है और पूरा आपको इपिलिप्सी के बारे में इसमें पूछा है तो जो फॉलो जो नीचे के जो क्वेश्चन है वो इपिलिपसी से रिलेटेड है आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन एपिलिप्सी यानी एपिलिप्सी यानी क्या है वो बताओ लिस्ट द कॉजेस ऑफ कन्वर्शन यानी कन्वर्शन क्यों आते हैं उसके कॉजेज़ की लिस्ट बताओ राइट द वेरियस टाइप ऑफ इपिलिप्सीपिलिप्सी के टाइप बताओ कौन से कौन से टाइप है लिस्ट द इन्वेस्टिगेशन डन इन अ सच केस यानी इपिलेप्सी में कौन से कौन से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो बताओ राइट द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर गुप्ता यानी मिस्टर गुप्ता के लिए जो पेशेंट है उसके लिए हम मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे वो लिखो वॉट हेल्थ एजुकेशन विल यू गिव हिम एंड हिज फैमिली रिगार्डिंग केयर एट होम यानी जब पेशेंट घर पर पे जाएगा तो उसके फैमिली को और उसको हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे वो आपको बताना है ठीक है और इसके और में क्वेश्चन दिया है मतलब अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना है तो आप नीचे का दूसरा एक सॉल्व कर सकते हैं उसमें दिखा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग यानी ड्रग को डिफ़ाइन करो बी नंबर है व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि उसके रूट कौन से कौन से हैं वो बताओ आ, उसके बाद में लिस्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग यानी जो फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ड्रग के एक्शन के लिए वो बता। राइट द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट करते हैं तो उसमें नर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो बता। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए मिस्टर रामनाथ थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड मेल इज़ एडमिटेड इन सर्जिकल वार्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर पेन इन एवडोमिन मिस्टर रामनाथ इज डायग्नोस्ड एज इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रैक्शन एंड एडवाइज सर्जरी एंसर द फॉलोइंग इसमें पूछा है कि रामनाथ करके एक पेशेंट है थर्टी फाइव ईयर्स का मेल पेशेंट है और उसका जो हिस्ट्री था कि उसको एबडोमिन में सीवियर पेन होता है और उसका जो डायग्नोसिस आया है वो था कि इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटस्टाइन में उसके ऑब्स्ट्रक्शन है और डॉक्टर ने उसे सर्जरी के लिए एडवाइस किया है तो उसके बेसिस पे आपको ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उसके आंसर देना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज ए इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रैक्शन

बताना है नेक्स्ट है व्हाट हेल्थ एजुकेशन विल यू गिव टू मिस्टर रामनाथ वाइल्ड डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल जब रामनाथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो उस टाइम हम उसको कौन सा हेल्थ एजुकेशन देंगे वो आपको बताने का है ठीक है तो ये था आज अच्छा का क्वेश्चन पेपर और ऐसे ही आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाली हूँ तो आप ये चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हो सके जितने आपके पहचान के स्टूडेंट हैं उन लोगों में आप ये चैनल को शेयर कीजिए थैंक यू